हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विवेकानंद एकेडमी ऑफ ह्यूमन एक्सेलेंस। आई एम उर्मिला सालुंखी। स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी का सातवां लेसन देखने वाले हैं, जिसका नाम है क्या निराश हुआ जाए। हमारे आज के पाठ का नाम क्या है, क्या निराश हुआ जाए। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है, मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। मन बैठना यानी निराश होना। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। वे तस्करी शब्द से तात्पर्य है चोरी का व्यापार। ठगी मतलब ठगना, डकैती मतलब डाका डालना और चोरी करना। और यही सभी बातें समाचार पत्रों में क्या होती है, हमें दिखाई देती हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही न रह गया है। आरोप मतलब इल्ज़ाम और प्रत्यारोप मतलब इल्ज़ाम के बदले में और इल्ज़ाम। आरोप मतलब क्या होता है, इल्ज़ाम, और प्रत्यारोप मतलब बदले में इल्ज़ाम। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया कि लगता देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। संदेह मतलब शक। हर व्यक्ति को शक की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। इस पैराग्राफ का तात्पर्य है कि लेखक ऐसा सोचने लगते हैं कि आज हमारे देश में जो भी कुछ हो रहा है, उससे लेखक का मन क्या हो जाता है, बैठ जाता है। और वो कहते हैं कि अगर हम समाचार पत्रों में देखते हैं तो आपको ऐसी ही समाचार देखने को सुनने को मिलेंगे कि जिसमें ठगी हैं, डकैती हैं, चोरी हैं, तस्करी हैं और भ्रष्टाचार के समाचार। ऐसी ही न्यूज़ होती है और फिर ऐसा लगने लगता है कि हमारे देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। और इसीलिए जो भी व्यक्ति को हम देखते हैं, उस व्यक्ति को हम क्या करते हैं, शक की नज़र से देखते हैं। जो व्यक्ति जितने ही ऊंचे पद पर होता है, उसमें अधिक ही दोष दिखाए जाते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। एक बार लेखक से एक बहुत बड़े आदमी ने कहा कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता, और जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे। देखो, अगर सुखी कौन है कि जो कुछ करता ही नहीं, और जो कुछ करता है उसमें कि लोग क्या करते हैं, दोष खोजने लगते हैं और उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को चढ़ा बढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किस में नहीं होते, यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। अब ऐसा ही होता है कि अगर आदमी कुछ काम करने लगता है तो लोग क्या करते हैं, उसमें दोष खोजने लगते हैं और उसने जो अच्छा काम किया है उसको भूल जाते हैं और उसने जो गलतियां, जो दोष है, उन्हीं बातों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाने लगता है। ऐसे तो
दोष तो हर व्यक्ति में होता है, लेकिन आदमी यह क्या करता है, सोचता ही नहीं, और इसीलिए हर आदमी दोषी ज़्यादा दिखता है और उसके अंदर जो भी कुछ गुण हैं वह उसे बिल्कुल ही दिखाई नहीं देते हैं या बहुत कम ही दिखाई देते हैं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। लेखक को ऐसे लगता है कि हाँ, यह अगर सिचुएशन ऐसी ही है तो फिर यह तो हमारे लिए चिंता का विषय है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गहवर में डूब गया? आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया? मेरा मन कहता है ऐसा नहीं हो सकता। हमारे महान मनुष्यों के सपनों का भारत है और रहेगा। लेखक को ऐसे लगता है कि हमारा यह जो भारत देश की जिसके बारे में भारत महान देश कहा जाता है और इसी महान देश का सपना तिलक और गांधी ने देखा हुआ था। रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का भी महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष जो उन्होंने देखा था वह तो ऐसे लगने लगा है कि वो किसी अतीत के भंवर में डूब गया है। आर्य, द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की यह जो हमारी जो मिलन भूमि है और यह महामानव का क्या है, समुद्र है, क्या वो सूख गया? लेखक के मन में इस प्रकार से बहुत से सवाल पैदा होते हैं और उनका मन कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। हमारे ये जो महान जो मनुष्य है, महान मनुष्य मतलब क्या होता है कि हमारे देश के जो महान विचारवंत है कि जिन्होंने भारत के महान होने का जो सपना देखा था यह वही भारत है, ऐसा ही रहेगा क्या? ऐसे इस प्रकार के बहुत से सवाल लेखक के मन में आते रहते हैं। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पीस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। लेखक यह भी मानने के लिए तैयार हो गए कि हाँ, यहाँ पर जो भी स्थितियाँ जो बन रही हैं, जो माहौल बनता है वह सही माहौल है, ऐसा ही यहाँ पे हो रहे हैं और इसी की वजह से ईमानदारी से मेहनत करके अपना कार्य करने वाले भोले भाले लोग जो हैं, जो श्रमजीवी हैं, कष्ट करने वाले लोग हैं, वह क्या हो रहे हैं, उनका शोषण हो रहा है, वो पीस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का जो रोजगार करते हैं उनकी क्या हो रही है, उनकी तरक्की हो रही है। ईमानदारी को मूर्खता, जो ईमानदार होता है उसे मूर्ख समझा जाने लगा है और सच्चाई जो है, जो भीरू और बेबस मतलब कि धर्म से डरने वाले लोग और जो लाचार लोग होते हैं, जो डरपोक लोग होते हैं, उनके हिस्से ही पड़ी हैं। और ऐसे स्थिति में जीवन के महान मूल्य के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। यहाँ पर, यहाँ इस
पैराग्राफ में कवि का मानना यह है कि अपने जो मनीषी जो विचारक जो थे उन्होंने जो भी सपना देखा था, लेकिन अब अगर हम देखते हैं तो माहौल ही इसी प्रकार से बना हुआ है कि यहाँ पर सच्चाई और ईमानदारी से काम करने वाले लोगों को अब क्या मूर्ख समझा जाने लगा है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं को के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। देखो कि हमारा यह जो देश है, हमारे देशवासियों ने कभी भी भौतिक वस्तुओं को के संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया है। भौतिक वस्तुएं मतलब क्या? कृत्रिम वस्तुएं। भौतिक वस्तुएं मतलब क्या? कृत्रिम वस्तुएं। और उन्होंने संग्रह करना मतलब क्या? एकत्रित करना। संग्रह करना मतलब क्या? एकत्रित करना। और उन्होंने कभी भी ऐसे कृत्रिम वस्तुओं के संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है, उस आदमी के अंदर, उस मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण होते हैं वही चरम और परम है। चरम और परम मतलब क्या? कि सबसे ऊपर, प्रधान। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान होते हैं। देखो, लोभ मतलब क्या? सेल्फिश लोग, स्वार्थ होता है, मोह होता है, काम, क्रोध, यह जो विचार होते हैं उन्होंने नेचुरली क्या होते हैं, मनुष्य के अंदर स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना, देखो ये लोभ मतलब क्या है? लालच है। मोह मतलब क्या है? प्रेम की कामना है। और काम मतलब विषय वासनाएं हैं। यह सभी बातें मनुष्य के अंदर होती है, लेकिन उन्हें प्रधान शक्ति मानना क्या है? अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत आचरण है। हम क्या कहते हैं कि हाँ, उसका स्वभाव ही ऐसा है, वह लालची ही है, वह बहुत गुस्से वाला है। लेकिन अगर हम ऐसे शक्तियों को अगर हम क्या करेंगे, बहुत महत्व देंगे और उसको हम सोचेंगे नहीं, बुद्धि के सहारे अगर उन्हें छोड़ देंगे तो यह क्या है? बहुत बुरा आचरण है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। भारतवर्ष ने उचित यानी कि कभी सही नहीं माना। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न किया। मतलब हमारे देश के जो भी लोग थे उन्होंने कभी भी ऐसे गलत आचरणों का कभी भी स्वीकार नहीं किया। उन्होंने किया क्या किया कि यह जो सदा उनको क्या किया, संयम के बंधन से बांधकर उन्होंने रखने का प्रयत्न किया। परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के लिए उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। लेखक यहाँ पे करते हैं कि अगर किसी को भूख लगती है तो हमें उसकी तरफ उस ध्यान देना चाहिए, बीमार के लिए हमें दवा देनी चाहिए, भूखी लोगों के लिए खाने को कुछ ना कुछ देना चाहिए। वैसे ही यह जो गुमराह लोग हैं, रास्ते से भटके हुए जो लोग हैं, उनको भी हमें क्या करना चाहिए, सही रास्ते पर लाने के लिए हमें बहुत से उपायों को क्या करना है, ढूंढना है। उनकी तरफ हमें बिल्कुल भी निग्लेक्ट नहीं करना है।
जो भूखी लोग हैं उनके भूखे की तरफ हमें नहीं निग्लेक्ट करना है, उन्हें कुछ ना कुछ देना है। अगर कोई बीमार है, बीमार को क्या करना है, हमें दवा देनी है। वैसे ही गुमराह लोगों को भी हमें क्या करना है, सही रास्ते पर लाना है। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्रों जन, कोटि कोटि मतलब करोड़ों, इस देश के करोड़ों जो दरिद्र जन हैं, दरिद्र जन मतलब कौन होते हैं, गरीब, कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को, हीन मतलब क्या, कमजोर, हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू, उन्नत मतलब क्या, उनकी प्रगति करनी है, और सुचारू मतलब सही रूप से बनने के लक्ष्य से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता है। प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। देखो अब क्या हो रहा है कि हमारे देश में ये जो करोड़ों लोग हैं, जिनकी यहाँ पर जो गरीब लोग हैं, उनकी यह जो कमजोर अवस्था है और ये उनकी इस अवस्था को दूर करने के लिए हमारे देश में बहुत से कायदे कानून बनाए गए हैं कि जो कृषि मतलब खेती, बिजनेस, वाणिज्य, एडुकेशन, स्वास्थ्य की स्थिति को बहुत अच्छी तरीके से उसके ऊपर ध्यान देने के लिए ये सब प्रयास किए गए हैं। परंतु हो क्या रहा है कि जिन लोगों को यह कार्य करने हैं उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता है। मतलब क्या होता है कि वे क्या करते हैं, उनका जो लक्ष्य है, जो गोल है, उन्हें क्या करना चाहिए, इन बातों को क्या करते हैं, भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं और क्या करते हैं, भौतिक सुविधा अपने लिए ही रख देते हैं और लोगों के कल्याण का जो काम उनके हिस्से आन पड़ा है उसको वो करते ही नहीं है। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता रहा है। भारतवर्ष सदा कानून को उन्होंने किसके रूप में देखा है, धर्म के रूप में देखा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। अचानक क्या हो गया कि अब कानून और धर्म में क्या हो गया है, लोगों ने अंतर यानी कि फर्क किया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है, ऐसा अंतर लोगों ने किया हुआ है। उनका मानना यह है कि हम धर्म को तो हम धोखा नहीं दे सकते, कानून को धोखा दे सकते हैं। और यही कारण है कि जो धर्म भीरु जो लोग हैं वो क्या करते हैं, वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते हैं। धर्म भीरु लोग क्या करते हैं वो कि कानून को क्या करते हैं, कानून की त्रुटियों से उनको पता होता है कि कहाँ पर कमियां हैं और उन कमियों का फायदा वे उठाते हैं और ऐसे करते समय उन्हें बिल्कुल भी संकोच नहीं लगता है। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। हाँ, अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के
मूल्य बने हैं, वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। लेखक का मानना यह है कि हाँ, हमारे देश में अगर ऐसा भी हो रहा है तो यह सिर्फ समाज के ऊपरी वर्ग में हो रहा है, लेकिन सभी तरफ ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि आज भी ऐसा अनुभव हो रहा है कि धर्म जो है कानून से बड़ी चीज़ है। अब क्या हो रहा है, अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीजों को गलत समझते हैं। देखो कि यहाँ पर समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी कुछ होता हो, लेकिन अंदर ही अंदर भारतवर्ष अब यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं। हाँ, मतलब क्या है कि हम भ्रष्टाचार को हम मानते नहीं हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ हम क्या करते हैं, आवाज़ उठाते हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते नहीं हैं। और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। जो लोग भ्रष्टाचार करते हैं उनको हम क्या करते हैं, उन्होंने जो गलत काम किया है, उन गलत कामों को हम क्या करते हैं, सबके सामने लाते हैं और समाज में इस भ्रष्टाचार के तत्वों से आगे बढ़ने वाले लोगों की हम क्या करते हैं, प्रतिष्ठा कम करते हैं। या फिर जो लोग गलत तरीके से धन का क्या करते हैं, संग्रह करते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। देखो, पर्दाफाश करना मतलब क्या, उजागर करना। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है। देखो कि हम अगर किसी के दोष को हम क्या करते हैं, सामने लाते हैं, लेकिन इसमें बुराई यह होती है कि उसके आचरण पक्ष को, उसके गलत आचरण का जो पक्ष है, उसको हम क्या करते हैं, बहुत उसमें रस लेके उन बातों को हम क्या करते हैं, पब्लिश करते हैं। और ऐसा करना यह क्या है, बुरा है, क्योंकि हम सिर्फ उसके दोषों को ही दिखाना हमारा एकमात्र कर्तव्य मानते हैं। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। देखो, हम क्या करते हैं, अगर हमें किसी की बुराई मालूम होती है तो हम क्या करते हैं, उस बात को हम इतना बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं। लेकिन अगर ऐसा हम कोई अगर अच्छा काम करते हैं तो उसको हम इतना नहीं बढ़ा चढ़ाकर दिखा देते हैं जितना कि हम बुरी बातों को दिखाते हैं। और ऐसा करना क्या है, और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें
उजागर करने से, जिन्हें उजागर करने से लोग चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छा भावना जगती है। देखो हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ बुरी ही बातें होती हैं, बहुत सी घटनाएं ऐसी होती हैं कि वहाँ अच्छी घटनाएं अगर हम किसी के सामने लाते हैं, उन बातों का अगर हम जिक्र करते हैं, तो वह बातों को सुनकर दूसरे लोगों के मन में भी अच्छाई क्या होती है, जाग जाती है, वह भी अच्छा काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकेंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी देखा नहीं, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी, मैं चकित हो गया। देखो यहाँ पर लेखक ने उनके साथ घटी हुई एक घटना थी। एक बार उन्होंने स्टेशन पर टिकट लिया और 10 के बजाय उन्होंने 100 रुपये का नोट दिया। जल्दी जल्दी में ही लेखक गाड़ी में आकर बैठे, लेकिन हुआ क्या कि थोड़ी देर बाद में टिकट बाबू जो है कि जो आजकल हमारे लिए ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन उस ज़माने में यह पॉसिबल था। और इसीलिए जैसे ही टिकट बाबू को पता चला कि उन्होंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट रखा हुआ है, वह उस डिब्बे के अंदर आए और उन्होंने लेखक को पहचान कर बहुत ही विनम्रता के साथ उनके हाथ में ये जो 90 रुपये हैं वो दिए और उनसे माफ़ी मांगी और कहा कि मुझसे गलती हो गई, आपने भी नहीं देखा और मैंने भी नहीं देखा। और जब यह बात वो टिकट बाबू कह रहे थे तो उनके चेहरे पर बहुत बड़ी क्या थी, खुशी थी, और यह देखकर लेखक चकित रह गया। कैसे कहूँ कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। और इस वाक्य को कहकर लेखक यह बताना चाहते कि हम तो कहते हैं कि आजकल दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी ही लुप्त हो गई है, लेकिन ऐसा भी नहीं हो रहा है। वैसे अनेक अवांछित घटनाएं, अवांछित मतलब अनचाही, अवांछित का मतलब क्या है, अनचाहा, अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना को अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। देखो कि लेखक और एक घटना हमें कह रहे हैं और वे कहते हैं कि यह जो घटना है यह ठगी और वंचना, वंचना मतलब क्या, अभाव, वंचना का मतलब क्या है, अभाव, कि अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस के यात्री घबरा गए, कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। देखो एक बार क्या हो गया, लेखक बस में यात्रा कर रहे थे, उनके साथ उनकी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में क्या हो गई, कुछ खराबी आ गई और इसीलिए बस रुक रुक कर चलने लगी।
गंतव्य, गंतव्य मतलब कि जहां पर हमें जाना है उससे ही कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन, निर्जन मतलब क्या, जहां पर कोई मनुष्य न हो, निर्जन और सुनसान स्थान पर क्या हो गई, बस खराब हो गई। और रात के तब 10 बजे थे, बस में जो यात्री बैठे थे वो घबरा गए। हुआ क्या, उसमें कंडक्टर जो था उतर गया और साइकिल लेकर निकल गया। लोगों को संदेह यानी शक हुआ कि हमें धोखा दिया गया है। मतलब क्या हुआ, लोगों को कंडक्टर के ऊपर ही शक हो गया था। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। हाँ, हमारे यहाँ पे ऐसे होता है, किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था। परिवार सहित सिर्फ लेखक ही अकेले थे और उनके जो बच्चे थे उनको बहुत प्यास लगी थी और वो पानी पानी करके चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना न था और ऊपर ये जो आदमी जो बात कर रहे थे ना, उसी की वजह से सभी लोगों में एक प्रकार का डर पैदा हो गया। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। हवाइयाँ उड़ना डर के मारे घबरा जाना। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग मतलब क्या, रोनी सूरत, कातर ढंग से रोनी सूरत लेकर लेखक की तरफ देखने लगे। हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। और ड्राइवर ने डर के मारे लेखक की तरफ देखकर बोला कि ये हम दोनों, ड्राइवर और कंडक्टर, हम क्या कर रहे हैं, बस का कोई उपाय कर रही है, बचाइए, ये लोग देखो ना मुझे ही मार रहे हैं। वैसे तो लेखक के भी मन में डर तो था, लेकिन उसकी कातर मुद्रा देखकर, उस ड्राइवर की कातर मुद्रा मतलब रोनी सूरत देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है, कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। यहाँ पर कंडक्टर उतर कर चला गया। बेचारे ड्राइवर को लोग मारने लगे। तब लेखक ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन लोग बिल्कुल भी मानने को तैयार ही नहीं थे। उन्होंने ही उल्टा लेखक को कहा, देखो आप इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है, कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ उसने क्या किया है, भेज दिया है। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। लेखक भी, वैसे तो वो भी डर गए थे, लेकिन फिर भी इंसानियत के नाते उन्होंने उसकी बातों पर विश्वास रख के उसको किसी तरह से मारपीट से बचा तो लिया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतार कर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इस समय क्या देखता हूं कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस पर बैठिए, वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया
और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वही दूध मिल गया, थोड़ा लेते आया। देखो क्या हो गया है, लोगों ने तो ड्राइवर को ही पकड़कर मारने की साजिश शुरू की थी। ड्राइवर बेचारा डर गया था, लेकिन लेखक के समझाने के बाद भी उन्होंने उसकी बात नहीं मानी। लेखक और उनकी बीवी की हालत भी खराब थी। लोगों ने ड्राइवर को क्या किया, घेर कर रखा। लेखक के समझाने का कुछ फायदा ही नहीं हुआ। उन्होंने ऐसा कहा था कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि उन्हें धोखा दिया जा रहा है, उससे पहले उन्होंने ड्राइवर को ही खत्म करने का संकल्प किया हुआ था। कुछ घंटे बीत गए और उन्होंने देखा कि एक खाली बस आ रही थी, और उस खाली बस पर जो कंडक्टर जो गया हुआ था वो था, और उसने आते ही सभी लोगों से कहा कि बस अड्डे से मैं क्या लाया हूँ, एक नई बस लाया हूँ, बैठ जाइए, ये जो बस है वो अब आगे जाएगी नहीं। और लेखक की तरफ मुड़कर उसने कहा कि आपके जो बच्चे रो रहे थे ना, उनके लिए मैं थोड़ा पानी और दूध लाया हूँ। यात्रियों में फिर जान आ गई, मतलब अब तक जो यात्री घबरा गए थे वो क्या हो गए, उन्हें थोड़ा अब रिलीफ महसूस होने लगा। सब ने उसे धन्यवाद दिया, और जो यात्री जो थे सभी ने उस कंडक्टर को धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी, और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। कैसे कहूं कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है, कैसे कहूं कि लोगों में दया माया ही नहीं रह गई है। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई है जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। मतलब कि लेखक की जो सोच है वह सोच कैसे है, पॉजिटिव सोच है। वे कहते हैं कि अगर कुछ घटनाएं बुरी भी होती हैं तो हम उस घटनाओं का बहुत जिक्र करते हैं, लेकिन हमारे साथ बहुत सी अच्छी भी घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं को भी हमें सबके सामने बोलना चाहिए। उन्होंने हमें जो दो घटनाएं सुनाई उससे उन्हें ऐसे लगता है कि अगर हम कहेंगे कि मनुष्यता बिल्कुल भी नहीं रही है, और लेकिन मेरे साथ तो अच्छी भी घटनाएं हुई हैं, तो मैं कैसे कहूँगा कि मनुष्यता समाप्त हो गई है, दया माया लोगों में नहीं रहती है, और इसीलिए मैं यह मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि एकदम से मनुष्यता खत्म हो गई है। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। देखो, विश्वासघात मतलब विश्वास को तोड़ना। लेकिन कहते कि कभी कभी मैं मुझे किसी ने ठगाया भी है, कभी कभी मैंने धोखा भी खाया है, और बहुत कम, देखो परंतु बहुत कम स्थलों पर मेरा क्या विश्वासघात यानी विश्वास को मेरे तोड़ा गया है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। देखो हम क्या करते हैं, अच्छी घटनाओं को हम क्या करते हैं, कहते नहीं हैं, और बुरी घटनाओं का हम क्या करते हैं, बहुत उसको याद रखते हैं। लेकिन अगर ऐसा करने से क्या होता है कि हमारा ये जो जीवन है उसमें हम क्या होते हैं, इस जीवन से हम दुखी होते हैं। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण सहायता की है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें पता भी नहीं चलता है, और कभी संकट आता है तो सामने वाला हमें बिना पहचानते हुए भी हमारी मदद करता है, निराश मन को ढाढ़स दिया है, पहचान न पहचान होते हुए
या फिर कोई अगर हमें पहचानता भी है तब उसे ऐसा मालूम होता है कि हम किसी संकट में हैं, तब वो क्या करते हैं, हमारा ये जो निराश मन है उस निराश मन को क्या करते हैं, ढाढ़स देते हैं और हमारी हिम्मत बंधाते हैं। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। देखो कि रविंद्रनाथ ठाकुर जी की कविता जो है उन्होंने उसमें प्रार्थना की है कि इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर ना हो, हम चले ने के रस्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल ना हो। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं तो इन्हें बदलना होगा। हमें क्या करना है कि यह जो गलत तरीके, गलत रास्ते, गलत जो विचार है उन्हीं विचारों को बदलना ही हमारा काम है। आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। हमें पॉजिटिव विचार से ही इन निगेटिव विचारों से, इन गलत तरीकों से जो लोग आचरण करते हैं उन्हें हमें क्या करना है, सही रास्ते पर लाना है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मतलब हमारा यह जो देश है, हमारा यह जो भारत देश है वह महान बनेगा और इसीलिए हमें हमारे देश को क्या करना है, आगे बढ़ाने के लिए बहुत सी क्या करनी है, बहुत सी कार्य करने हैं, देश को आगे बढ़ाना है। मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। और पाठ के आखिर में, लेखक अपने मन को कहते हैं कि हे मन निराश